दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को जय हिंद। जैसा कि आप जानते हैं कि आज महाशिवरात्रि है, आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब जानना चाह रहे थे कि मैं क्या टाइम टेबल फॉलो करता हूँ UPSI के लिए, तो मैं आप सबको बताता हूँ। देखिए, मेरा शेड्यूल जो है वो सुबह 8 बजे से शुरू होता है और मैं सुबह आठ बजे से 12 बजे तक मैथ और हिंदी, ये दो सब्जेक्ट जो है 12 बजे तक पढ़ता हूँ। 4 घंटे इन दो सब्जेक्ट को देता हूँ सिर्फ, जिसमें कि मैं 8 से 11 तक मैथ और 11 से 12 या 12:30 तक हिंदी पढ़ता हूँ, और उसके बाद 1 से 2 बजे तक मेरा जो है लंच का टाइम ब्रेक, यानी कि आप सब जान सकते हैं। उसके बाद जो है मैं 2 बजे से अपना शेड्यूल फिर से शुरू करता हूँ, जिसमें कि मैं पढ़ता हूँ रीजनिंग। रीजनिंग में पढ़ता हूँ 2 बजे से 5 बजे तक, फिर 5 बजे से 6:30 तक पॉलिटी, जिसमें कि हमारा संविधान, राज्य व्यवस्था ये सब आ जाता है। उसके बाद मैं ब्रेक लेता हूँ, फिर मैं पढ़ता हूँ 8 से 11 बजे तक, रात को 11 बजे तक। तो उसमें हम मैथ के कुछ क्लासेस कवर करते हैं, क्योंकि मेरी कुछ क्लासेस रह रही हैं फ्रेंड्स, मेरा कोर्स अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है, इसलिए मैं उसमें रात के आठ से ग्यारह बजे तक मैथ की कुछ क्लासेस करता हूँ, और इकोनॉमिक्स भी मैं इसी टाइम पढ़ता हूँ। आप सभी का अपना अपना टाइम टेबल जो है अपने शेड्यूल के हिसाब से फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आपका सबका अपना अलग अलग टाइम है, किस टाइम आप क्या करते हैं। मैं तो पूरा दिन फ्री रहता हूँ, क्योंकि मेरा पढ़ाई के अलावा और कोई काम नहीं है, इसलिए मुझे सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई ही सूझती है। क्योंकि ये वैकेंसी जो है इतनी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कि ये आने वाले 3-4 साल में नहीं आएगी। अगर ये चांस हमसे छूट गया, ये वैकेंसी हमें नहीं देखने को मिलेगी जल्दी से, और इतनी वैकेंसी फ्यूचर में आने के कोई चांस दूर दूर तक नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सभी लोग अच्छे से तैयारी करें, जिससे कि इस बार उनका सिलेक्शन पक्का हो जाए। और जो लोग मैथ में वीक हैं वो थोड़ा ध्यान दें, अगर वो चाहेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा अगली मैथ के लिए। क्योंकि मैथ में मैं ऐसा था कि मुझसे एक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं होता था शुरू में, ये अभी पीछे लगभग नवंबर अक्टूबर से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की है UPSI की। उस टाइम जब मैं मैथ वाला सेक्शन खोलता था UPSI का, तो मैं देखता था कि मैं इसे कैसे क्रैक कर पाऊँगा, इस एग्ज़ाम को, इतना टफ मैथ। पर मैंने जो है मेहनत करी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हौसला बहुत बड़ा होता है, अगर हौसला हो कुछ करने का तो हम फेल नहीं हो सकते। तो मैं बता दूंगा अपनी यह स्ट्रेटजी। और जो लोग कहते हैं कि बुक से पढ़ो, तो बुक बस एक साधन है, हम लोगों को पहले लॉजिकल पढ़ना पड़ता है, वरना बुक हमारे ऐसे समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगी, चाहे कितना ही बुक पढ़ लो। किताबी भाषा नहीं समझ में आती है जब तक कोई क्लास से नहीं पढ़ो ठीक से, उसके बाद ही समझ में आएगी, उसके बाद ही हम लोगों को बुक पढ़नी चाहिए।